जय भीम फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन अंबेडकराइट यूट्यूब चैनल जनता विद पीपल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसने ऑलरेडी हम सब के बीच में एक डिस्कशन शुरू कर दिया है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं आयुष्मान खुराना स्टारर मूवी आर्टिकल 15 की। अपनी बेस्ट सेलर बुक अनिलेशन ऑफ कास्ट के प्रोलॉग में बाबा साहब कहते हैं, एज अ रूल आई डू नॉट लाइक टू टेक पार्ट इन अ मूवमेंट विच इज कैरिड ऑन बाय कास्ट हिंदूज। देयर एटीट्यूड टूवर्ड सोशल रिफॉर्म इज सो डिफरेंट फ्रॉम माइन दैट आई हैव फाउंड इट डिफिकल्ट टू पुल ऑन विद देम। इंडीड आई फाइंड देयर कंपनी क्वाइट अनकंजीनियल टू मी ऑन अकाउंट ऑफ अवर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। इसी कोट के आधार पर मुझे ऐसा लगता है कि इस टॉपिक पे अगर नागराज मंजुड़े या पार रंजीत जैसे फिल्म मेकर फिल्म बनाते तो मैं ज़्यादा निश्चिंत होता। सच कहूँ तो इस फिल्म का ट्रेलर देखकर मुझे खुशी से ज़्यादा चिंता हो रही है कि कहीं इस फिल्म से हमारा बहुजन समाज गुमराह तो नहीं हो जाएगा। मेन स्ट्रीम सिनेमा ऐसे टॉपिक्स पे शायद ही कोई फिल्म बना पाया है, और अगर कभी कोई फिल्म बनाता भी है तो उस सब्जेक्ट के साथ जस्टिस नहीं कर पाता। इसका ताज़ा एग्जाम्पल है नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर नागराज मंजुड़े जी की फिल्म सैराट। सैराट इस फिल्म में डायरेक्टर नागराज मंजुड़े इन्होंने जाति, जाति उत्पीड़न और ऑनर किलिंग जैसे विषय को बखूबी से दिखाया, और ऑडियंस ने भी सैराट को खूब प्यार से नवाजा था। सैराट मराठी सिनेमा की सबसे पहली 100 करोड़ कमाने वाली फिल्म बन गई है, मगर इसके राइट्स खरीदकर जब करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस धर्मा प्रोडक्शन ने धड़क फिल्म बनाई तो फिल्म से जाति का मुद्दा ही गायब कर दिया था। सो फ्रेंड्स, हियर आई प्रेजेंट माय रिव्यू ऑफ द ट्रेलर ऑफ द मूवी आर्टिकल 15। मुझे इस फिल्म की पहले लाइन से ही प्रॉब्लम है। ट्रेलर बिगिंस विथ डायलॉग, मैं और हम इन्हें दिखाई ही नहीं देते, हम कभी हरिजन हो जाते हैं कभी बहुजन हो जाते हैं, बस जन नहीं बन पा रहे हैं। अब देखिए, हरिजन यह टर्म अब यूज़ में ही नहीं आती है। आज पूरे देश में दलित यह शब्द इस्तेमाल में है, और इसके अलावा अनुसूचित जाति या शेड्यूल कास्ट जैसा कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म चलन में है। फिर ये हरिजन शब्द का इस्तेमाल क्यों किया है फिल्म मेकर ने, यह समझ में नहीं आ रहा है। इसी डायलॉग में बहुजन इस शब्द का भी इस्तेमाल हुआ है। अब बहुजन यह शब्द तो ओरिजिनली तथागत बुद्ध का शब्द है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, यह शिक्षा है तथागत बुद्ध की। 19th century में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, इन्होंने भी अपने मूवमेंट में बहुजन यह संकल्पना को प्रस्तुत किया है। और जिस स्टेट यानी कि उत्तर प्रदेश में यह फिल्म सेट नज़र आती है, उस उत्तर प्रदेश में तो फुले शाहू अम्बेडकराइट विचारधारा को प्रस्थापित करते हुए बहुजन मूवमेंट ने पिछले 40 सालों में सामाजिक और राजनीतिक क्रांति ही कर दी है। ऐसे में बहुजन समाज संकल्पना को इतने हल्के में लेना, बताना मेरी नज़र में हाईली ऑब्जेक्शनेबल है। बहुजन आइडेंटिटी यह मोमेंट से निकली हुई खुद की पहचान है। बहुजन आइडेंटिटी एक असर्टिव, पॉजिटिव और पावरफुल आइडेंटिटी है। कम्युनिटी द्वारा इसे एक्सेप्ट किया गया है, और साथ ही साथ सेल्फ अक्वायर्ड आइडेंटिटी के तौर पर एक्सेप्ट किया है। किसी ने इसे समाज पर बाहर से नहीं थोपा है। इसके बाद बाबा साहब का स्टैचू फ्रेम में आता है। बाबा साहब का फेमस कोट, यू मस्ट अबॉलिश योर स्लेवरी योरसेल्फ, डू नॉट डिपेंड फॉर इट्स अबॉलिशन अपॉन गॉड और सुपरमैन, को रिफ्रेश करके फिल्म के फीमेल और मेल प्रोटैगनिस्ट आयुष्मान खुराना के मुंह से बुलवा दिए जाते हैं। मगर हद तो तब हो जाती है जब ट्रेलर यह दिखाता है कि आयुष्मान खुराना अपनी जाति नहीं जानते हैं। बड़े ही भोले भाले अंदाज में हीरो पूछता है, मैं किस जाति का हूँ? जातियों के घेरे में घिरे हुए इस देश में कौन है ऐसा व्यक्ति जो नहीं जानता कि वह किस जाति का है? यह फिल्म की रिलीज़ के बाद ही समझ में आएगा
कि हीरो वाकई में नहीं जानता कि वो किस जात का है, या फिर ऐसा दिखाया गया है कि वह अपनी जाति नहीं जानता है। खैर जो भी हो, यह बात तो हजम नहीं होती कि एक आईपीएस रैंक का ऑफिसर यह नहीं जानता कि उसकी जाति ब्राह्मण है और वह अपनी जाति अपने सबॉर्डिनेट से पूछ रहा है। फिल्म के ट्रेलर में यह भी एक और कमी है कि यह ऐसा एहसास कराती है कि कास्ट एक रूरल फिनोमेना है, यानी जाति उत्पीड़न गांव के देहातों में ही हो रहा है। फिल्म मेकर को जातिवाद और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ विलेजेस में ही दिख रहा है। पायल तडवी जिस मुंबई के हॉस्पिटल में मारी जाती है वहाँ नहीं दिख रहा। रोहित वेमुला जिस हैदराबाद यूनिवर्सिटी के कैंपस में मारा जाता है वहाँ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिख रहा है। शहरों के आईआईटीज में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नज़र नहीं आ रहा है। दिल्ली के एम्स में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं नज़र आ रहा है। अर्बन मीडिया और जुडिशरी में भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नज़र नहीं आ रहा है। ट्रेलर से तो ऐसा लगता है फिल्म मेकर बता रहा है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ एक रूरल प्रॉब्लम है, सिटीज़ और अर्बन एरिया में सब कुछ ऑल इज़ वेल है। यह धारणा तो बिल्कुल ही सरासर गलत है। और अंततः मैं यह बात कहूँगा कि यह बिल्कुल हमारे समझ से परे है कि फिल्म का नायक एक ओबीसी या फिर माइनॉरिटी समाज से क्यों नहीं दिखाया गया है, या फिर फिल्म का नायक खुद एक दलित समाज से क्यों नहीं है। ऐसी क्या मजबूरी थी फिल्म मेकर की कि ऑपरेसर से बचाने वाला हीरो एक अपर कास्ट ब्राह्मण ही दिखाया गया है। हालांकि एक बात के लिए फिल्म मेकर की दिल खोल के मैं तारीफ करता हूँ कि उसने इस टॉपिक पर फिल्म बनाई है, और हो सकता है कि इस फिल्म की वजह से आर्टिकल 15 के बारे में आम जनमानस में कुछ लेवल की अवेयरनेस बढ़ जाए। मगर ट्रेलर से फिल्म मेकर का अप्रोच और उसकी सब्जेक्ट हैंडलिंग का एटीट्यूड बहुजन समाज के हितों के खिलाफ ही नज़र आ रहा है। ऐसा लगता है कि अपर कास्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अपर कास्ट ऑडियंसेस के लिए बनाई गई एक मूवी है यह। बहुजनों का इससे कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए, केवल निराशा ही हासिल होगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आपके अपने YouTube चैनल जनता वी द पीपल को सब्सक्राइब करें और यह वीडियो आपके फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय फुले, जय शाहू, जय भीम।